हेलो एवरीवन, दिस इज लेजी आर्क एंड आप लोगों का स्वागत है आर्क के मेगा मॉडर्न सीरीज में। सो हम लोग है स्वटल एल्फेम में एंड ये एक मिनी कस्टम मैप है जो कि फ्योडा के क्रिएटर्स ने बनाया एंड हम लोग इसमें बहुत सारा फन कर रहे हैं एंड एक्सप्लोर कर रहे हैं। सो आज के एपिसोड में हम लोग डिनो नीचर्स के आर्मी को ले जाने वाले हैं यहाँ पे रोमिंग मिनी बॉसेस को मारने के। सो इन डिनोनीचर्स के एक्स को मैं बहुत टाइम से कलेक्ट कर रहा था। मेरा एक मेन डिनोनीचर रिसेंटली लावा में जाके मर गया एंड उसके बारे में यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। ओके, तो फिर जाके मेरे पास बहुत सारे डिनोनीचर्स थे, उनमें से ये मेरे लिए सबसे मेन हुआ क्योंकि इसका स्टैट्स बहुत बेटर है बाकियों के हिसाब से। अगर एक और भी है मेरे पास 300 लेवल के अराउंड, नॉट श्योर वो किधर है, ये वाला होगा, ये रहा 349 और ये है 380। बट दिक्कत ये कि दोनों के दोनों मेल है तो चलेगा एंड दोनों के दोनों आई थिंक पैक लीडर्स है। ओके, सो हम लोग इसको अपना मेन रैप्टर बना के रखे हैं, सॉरी डिनो नीचर्स में जिसका नाम बेटर रैप्टर दे दिया, इसको सैडल हम ये वाला दे के रखे हैं एंड बाकी के पास नॉर्मल सैडल है। सो इस एपिसोड में हम लोग एक्चुअली में अभी जा रहे हैं मिनी बॉसेस को मारने के लिए। इस मैप में एक्चुअली जो स्वेटल एल्फेम में खुद के मिनी बॉसेस रोम करते हैं जिनका नाम बर्सकर्स है। सो देखा जाए तो वैसे तो यहाँ पर बर्सकर्स बहुत सारे हैं, तो हम क्या करने वाले, ट्राई कि हम लोग कोशिश करेंगे जितने भी बर्सकर्स हैं उन सभी को मारने का आज के एपिसोड में। तो वैसे तो इन लोगों का हेल्थ अराउंड 5000 के आसपास है, किसी किसी का 2500 के आसपास है, बट बाकी लोगों को मैं बूस्ट ऑफ स्टैट्स के हिसाब से किया हूँ जैसे कि डैमेज में, बट देखते हैं कि और कहाँ कहाँ पर पॉसिबल से। तो एक काम करता हूँ, एक मिनट, इन लोगों को मारने से पहले, क्यों ना फाइट करने से पहले मैं एक्स्ट्रा स्पेशल मीट्स ले लेता हूँ जो कि हेल्प करते हैं जल्दी हेल्थ रिगेन कराने में। एंड ये क्रैकन के बेटर डाइनोज में फायमियस को मारने से मिलता है, सो आई थिंक इतना काफ़ी रहेगा मे बी, बट देखते हैं कि अगर दिक्कत हुआ तो हम लोग वापस से फिर वाइल्ड में हमें फायमियस को ढूंढना पड़ेगा सिर्फ हेल्थ भरने के लिए एंड ट्राई कर सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे आइडिया है, एक्चुअली में क्या था कि मेरा लोकेशन मैप में बेस का लोकेशन जहाँ पे है उसके जस्ट इस एंट्रेंस को मैं क्रॉस करता हूँ तो मुझे हमेशा वहाँ पे एक बर्सकर का टायरेक्स वाला वर्जन मिलता है। एंड वो कौन सा वर्जन है मैं अभी वहाँ पे जाके दिखा देता हूँ अगर चांसेस हुआ तो। मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि अगर मैं एक बर्सकर को मार देता हूँ तो वो गायब हो जाता है एंड दूसरा बर्सकर आ जाता है, बट हर बार ये पॉसिबल नहीं है। सो हम लोग इस कासल के दूसरे साइड से निकल चुके हैं एंड जब जब हम लोगों ने ये कासल को यहाँ पे क्रॉस किया है तो हम लोगों को इस माउंटेन के नीचे हमेशा एक बर्सकर मिला है। अब मैं ये तो श्योर नहीं हूँ कि यहाँ पे इस बार वो बर्सकर होगा या नहीं, बट तब भी एक बार और हम नीचे वापस से जाके देख सकते हैं एंड आई थिंक मिल चुका है, यस। सो मेरा थिंकिंग सही था एंड ये है बर्सकर का स्टेरकोसॉरस। क्या मिला बोलना, बिना मतलब के, ठीक है। तो पहले इस हमारे डिनोनीचर्स को इक्विप कर लेते हैं एंड राइड कर लेते हैं और उसके बाद बाकी सभी डिनोनीचर्स को निकालते हैं। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इस बार सकर का हेल्थ ऑलरेडी 65,000 है। ओके, एंड मेरा जितने भी यहाँ पे माइक्रो रैप्टर्स इतने सारे क्यों है, ओके कोई दिक्कत नहीं चलेगा। और मेरे जितने भी डिनो नीचे से उनका मैक्स टू मैक्स हेल्थ सिर्फ 44 है, सॉरी मैक्स टू मैक्स हेल्थ सिर्फ 55,000 के आसपास है। सो चाहे वो लेवल कितना भी कम क्यों ना हो, उन लोगों का बेचारा का हेल्थ हमेशा 5,000 से ज़्यादा मैंने बूस्ट अप नहीं किया, क्योंकि क्योंकि मुझे बाकी स्टैट्स को भी ध्यान देना है। अगर मैं जैसे इसी को 44 लेवल वाले का ही देखूं तो इसका सिर्फ हेल्थ 2.5 है। सो देखा जाए तो सामने वाले बर्सकर का एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हेल्थ हो रहा है, ओके एंड बहुत ज़्यादा इन द सेंस। चलो फिर ट्राई करते हैं फॉलो ऑल, पहले उन सभी को मार्च के लिए पूरा स्ट्रेट में लेकर आते हैं एंड उसके बाद फिर फाइट करने के लिए जाएंगे। ऑब्वियसली मुझे पैक लीडर का बफ ऑलरेडी मिल चुका है तो ओके, कहीं रात तो नहीं हो गया, अच्छा थोड़ा और रेडी बॉयज, यस दे आर रेडी।
445 एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा डैमेज हो रहा है। चलो अब बारी आता है फाइट करने का, एंड आई होप कि मैं अपने ज़्यादा डिनो नीचर्स को खोऊँ ना इस सिचुएशन में, क्योंकि हमें और भी बर्सकर्स के साथ लड़ना है। ओके तो मेरे बर्सगर्स कुछ ज़्यादा ही स्पीड में उसका हेल्थ उड़ाते जा रहे हैं। मैं सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा स्पीड में जाएगा। ऑलरेडी हम लोगों ने उसका हेल्थ अराउंड 14, 13, 12, 10, 9, 8 एंड कुछ सेकंड्स और, 3, 2, 1 के। सो मेरा बेटर जो रैप्टर था उसी ने ये डैमेज पिक किया, लास्ट हिट पिक किया, एंड हम लोगों को बर्सकर को मारने से मिथ्राइल ऑयल, उसके बाद फिर ऑब्सिडियन फ्लक्स एंड लास्ट में जाके डायमंड्स मिले। उसके अलावा अगर इन सभी को देखा जाए तो वैसे तो ये सब भी रिसोर्सेस चलेगा, बट किसी काम के नहीं है, क्योंकि मेरे पास उनसे भी बेटर बेटर रिसोर्स होते हैं। तो हम एक काम करते हैं इसको ये रहने देते हैं, उससे फायदा ही होगा कि जितने भी यहाँ पे रिसोर्सेस मिलेंगे हम उन सभी को चेक करेंगे कि एट दी एंड हम लोग जब इतने सारे बर्सकर्स को मार लेंगे तो फिर हमें कितने रिसोर्सेस मिल चुके हैं। ओके सो मैं यहाँ पे स्टन हो चुका हूँ मैक्रो रैप्टर के लिए। ओके एंड अब हमारी बारी आ चुकी है सभी को पिक करने का। ओके सो मेरा बेटर रैप्टर का है, बेटर रैप्टर ये रहा। हम लोगों ने ऑलरेडी स्टायरा को मार दिया है, अब सिचुएशन ये आता है कि बाकी बर्सकर्स को कहाँ पर ढूंढें। चलो तो ट्राई करते हैं बाकी बर्सकर्स को। तो यहाँ पे बर्सकर कार्नो भी अवेलेबल है, नहीं है मैप में रैप्टर से, दो दो रैप्टर से देखा जाए तो दोनों का हेल्थ बहुत कम है, तो इतना भी ज़्यादा फायदा नहीं है। हाँ एक है बर्सकर रेवेजर से लड़ने के लिए, स्टायरा को हम ऑलरेडी मार चुके थे, यहाँ पे उसको वापस स्पॉन होने में बहुत टाइम लग जाएगा। ओके सो यहाँ पे एक बर्सकर टीरेक्स है जिसका लेवल 290 है, मे बी हम इसको ट्राई कर सकते हैं, बट मैं श्योर नहीं हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी हम लोग बहुत सारे डायनोस को यहाँ पर खो चुके होंगे। एंड ओके सो क्यों ना मैं यहाँ पे अपना सीक्रेट वेपन निकाल लूँ। सो मेरा सीक्रेट वेपन एक्चुअली में स्माइल है, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा बचा है। तो जितने भी मेरे डिनो नीचर्स हैं इन लोगों को हम फाइट के लिए छोड़ेंगे, एंड मैं स्माइलोडोन के ऊपर से फाइट कर रहा हूँ। एंड सिचुएशन तो यही है कि हम लोग शायद उसको मार पाएंगे, बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि 157K हेल्थ मजाक नहीं है। अगर वो मारना शुरू किया मीन्स मेरे ऑलमोस्ट सभी सभी डायनोस मर चुके होंगे। माइक्रो रैप्टर्स का मुझे कुछ लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, ये माइक्रो रैप्टर्स इतने क्यों मेरे पीछे पड़े हुए बड़ी। ओके तो अब आता है डीनो नीचे को निकालने का। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ओ और भी है एंड नो। हाँ अरे ओके चलो बट देखा जाए तो इसका सैडल में अपग्रेड नहीं किया हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। बट तभी हम लोग और इसका डैमेज बढ़ा देते हैं। ऑलरेडी मैं डैमेज बहुत ज़्यादा बूस्ट अप कर चुका हूँ, मुझे लग रहा है कि फॉलो ऑल एंड पहले मैं इस ट्रैकर को बंद कर देता हूँ। ओके एंड क्यों ना रात का टाइम है तो इसको दिन कर देते हैं ताकि फाइट हम सही से देख सकें। ओके सो सेट टाइम ऑफ डे 9:30। ओके सो हम लोग अभी पूरा दिन में हैं, एंड हम लोगों के जितने भी डिनो नीचे से हैं सभी के सभी हमारे पीछे हैं। बस रेडी अटैक माय टारगेट न्यूट्रल्स एंड ये हुआ ना कुछ बात। डिनो नीचर्स का मुझे सबसे बेस्ट चीज यही हमेशा से लगते आया है, एंड मुझे लग रहा है कि ये माइक्रो रैप्टर भी जल्दी मरेगा।
मुझे लगा ही था। हाँ, यहाँ पे इतने सारे माइक्रो रैप्टर्स, मैं सोचा नहीं था। सोचो मैं बार्सकर रेक्स से लड़ रहा हूँ एंड अचानक से एक माइक्रो रैप्टर आके मुझे अचानक से गिरा देता है। सोचो कितना खराब सिचुएशन होगा। ओके, तो क्या हम आगे आ चुके हैं? गाइस रेडी? हाँ, एंड ये रहा मेरा पूरा का पूरा आर्मी जो कि अभी जाने वाला है फाइट करने के लिए। ओह शिट, ओके यहाँ पे पहले से बहुत सारा डेंजर है, मैं बाहर सकर के पास जा भी नहीं पा रहा हूँ। क्या हम रेडी है? ओके गाइस कम, सिट, ओह सिट 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 सिट, उससे नहीं लड़ना, उससे नहीं लड़ना है। भागो 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 भागो। ओके, अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है लड़ने के सिवा, लड़ो कुछ सेकंड्स में। ओके, अरे ओ, मारो मारो मारो, अरे इधर इधर इसको मारो, बरसाकर आ गया, रेक्स आ गया। मैं क्या ध्यान दे रहा था, मैंने नोटिस भी नहीं किया। अरे मारो इसको, एक मिनट, इस पे ब्लीड अटैक क्यों नहीं हो रहा है? मुझे तो लगा था कि इस पे ऑलमोस्ट ब्लीड अटैक काम करेगा। सिट, मेरे बरसक, मेरे डिनो नीचे मरना शुरू हो गए। एक मिनट, क्या ये? जल्दी 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 जल्दी, उस बार्सकर रेक्स ने मेरे सभी के सभी डाइनोस को मार दिया। इसको बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंस होना। मैं लिटरली ध्यान नहीं दिया कि मेरे साथ इतना स्पीड में सब कुछ हुआ है। मीन्स कुछ सेकंड्स का बात था, मुझे लगा कि ठीक है अगर हम 67,000 वाले स्टायरस को कुछ सेकंड्स में मार सकते हैं, तो फिर ये नॉर्मल ये रेक्स को मारने में कितना ही दिक्कत होगा। कि मुझे लगा ठीक है 157 के हेल्थ इतना भी ज्यादा नहीं होता है जितना अगर हम बाकियों के हिसाब से कंपेयर करें तो। मीन्स लिटरली वो बंदा अचानक से आया, 1 2 3 4 5 6 7 आठ मेरे डायनोस यहाँ पे। मीन्स मेरे अभी भी 3 डायनोस बाकी है, उन 3 डायनोस में से मेरा मेन जो बेटर रैप्टर है वो अभी बाकी है कहीं, एंड और भी कुछ है। तो क्या मेरे पास चांसेस है कि मैं वहाँ पे स्पीड में जा के उन लोगों को ला सकता हूँ? बट दिक्कत ये है कि तो मेरे कोई भी डायनो यहाँ पे नहीं है, क्या करूँ? सेट सेट सेट, मैं सोचा नहीं था मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। मेविंग एक होना तो चाहिए सैडल वाला, यस एंड प्लीज। मुझे एक गन का जरूरत पड़ेगा वरना मैं अपने डायनोस को नहीं बचा पाऊंगा। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा सिचुएशन अचानक से इतना ज्यादा टर्न हो जाएगा। ओके, तो ओके, आई होप कि इस बार कुछ गड़बड़ ना हो, वरना जिस हिसाब से मैंने अपने पूरे सेट, सबसे बड़ा दिक्कत का बात ये है कि मैंने अपने मेन स्माइलोडॉन को खो दिया है जो कि मेरे लिए हर जगह ऑलमोस्ट मुझे सपोर्ट किया था। अब मेरे पास कोई भी ऐसा डाइनो नहीं है जो उस स्माइल की जगह मेरा जगह कोई ले पाएगा, एंड ऑलमोस्ट एक्चुअली में मेरा वो सबसे बेस्ट डाइनो था कहीं ना कहीं। ओके ओके ओके, मेरा सिमाइल बेचारे, इसने मेरा कहाँ कहाँ नहीं मदद किया है, एंड आज आज मुझे उसको खोना पड़ा। ओके क्या ये सब मरे हुए? एक मिनट, क्या मेरे पास बेटर एप्टर है? ओके 349,
सीरियसली मेरा सभी के सभी डायनोस तो मर गए, बट ये दो डायनोस मेरे बच गए। यार बेचारे मेरे रैप्टर्स का ये हाल हो गया। एक रेक्स जिसने मेरे ऑलमोस्ट मेरे पूरे के पूरे टीम को बर्बाद कर दिया। मैं सोचा नहीं था कि मेरा सिचुएशन इतना टर्न ओवर अचानक से हो जाएगा। मीन्स मैं अच्छा खासा यहाँ पर फाइट कर रहा था, मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के उस रेक्स को मारने का गलती किया, एंड ये रहा। सो हम थोड़ी देर पहले आए थे इस बर्सरकर रेक्स को मारने के लिए, जो कि 290 लेवल का है, मेरे पूरे डिनोनिचस के आर्मी के साथ। यहाँ पे मेरे सभी के सभी डायनोस मरे हुए हैं, लिटरली। मीन्स मेरे कोई भी डायनोस अभी जिंदा नहीं है, सभी के सभी। और वो लोग बेचारे इस खराब कंडीशन में मरे कि मैं उन लोगों को बचा भी नहीं सकता हूँ। अब ऐसा हाल उस रेक्स ने कर दिया इन लोगों का। मीन्स लिटरली मैं सोचा नहीं था कि एक झटके में मेरा पूरा का पूरा टीम गायब हो जाएगा। वो आया और उसने एक एक शॉट में सबको उड़ा दिया। ऑब्वियसली अब हमारे पास न टीम रहा न कुछ, मेरा मेन डाइनो तक मर चुका है, जो कि बेचारा ये रहा। एंड इसकी वजह से मैं अपना टीम पूरा कंटिन्यू करता था, बट अब मेरे पास ये भी मेरा मेन डाइनो नहीं रहा। अब क्या किया जाए? सो आई थिंक ये टाइम आ चुका है बेटर डाइनोस को टेम करने का, एंड ये चीज़ सीखने का कि कभी भी बेवकूफ़ी नहीं करना है ऐसे टाइम पर। हाँ दिक्कत है। दिक्कत ये हो रहा है कि मेरा बैकपैक है और मैं उसको कलेक्ट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आई होप कि और एक्स मुझे देखे ना ना देखे। थोड़ा सा और। ओ, देख लिया देख लिया। मैं तो उसको छुप के भागने का को कोशिश कर रहा था, उस बंदे ने मुझे इतना स्पीड में देखा कि मेरे पास और कुछ मौका भी नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ क्या करूं। अब मैं चिढ़ चुका हूँ उस बर्सकर से। मैं सीरियसली अब उस बर्सकर को किसी भी हाल में मारना चाहता हूँ। एक मिनट, मेरे पास शायद एक बेटर ऑप्शन है। गन पाउडर स्क्वाड जरूरत है हमें। क्या गन पाउडर और मेरे अभी बन पाएंगे किसी भी हाल में? मुझे लग रहा है कि एट दी एंड अब मेरा एक ही टीम मेरा काम करने वाला है, एंड हमें गन पाउडर को बहुत ज्यादा जरूरत है। प्लीज। ओके सो यहाँ पर ये ओके मुझे लग रहा है कि मैं भी क्यों ना, अब ऑलरेडी टाइम आ चुका है इंडस्ट्रियल। केमिस्ट्री बेंच बनाने का। मैं इंडस्ट्रियल तब से देख रहा था। ओके सो क्या हम केमिस्ट्री बेंच बना सकते हैं? स्पार्क पाउडर 100, स्पार्क पाउडर 100, ठीक है। हाँ, हम बना ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई थिंक ये बुलेट्स हैं, बट मुझे ये जानना है कि मेरे इसके पास ऑलरेडी कितना बुलेट्स हैं। अराउंड 1200 के आसपास बुलेट्स हैं। ओके एंड 1200 के आसपास बुलेट्स हैं ना। मुझे लग रहा है कि मे भी और ज़्यादा बुलेट्स का ज़रूरत हमें पड़ सकता है, क्योंकि उस रेक्स को मारना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा अभी के लिए मेरे लिए। तो एक काम करते हैं, मैं और मीन्स अराउंड कितना 200K के आसपास भी अगर मैं उसको देखूँ और मेरे पास 2000 बुलेट्स हैं, तो 2000 के हिसाब से अगर मैं 100 डैमेज भी देता हूँ तो 200,000 में उसको डैमेज दे पाऊंगा। बट क्या मेरे बुलेट्स एक बर्सरकर रेक्स को 100 डैमेज दे पाएंगे? क्वेश्चन ये है, अगर दे पाएंगे तो क्या मेरे लिए ये 2000 बुलेट्स काफी होंगे? ठीक है तो एक काम करते हैं, पहले वहीं पे चलते हैं एंड उसके बाद चेक करते हैं कि एक्चुअली में इसको कितना बुलेट्स का जरूरत है। तो यहाँ से निकलते हैं पहले एंड सीधे उसी जगह पे चलते हैं जहाँ पे हम लोगों का बैकपैक है। क्यों ना एक और चीज मैं पहले बना लूँ, जिनसे मैं एटलीस्ट
बेसिक सिचुएशन में रहूंगा, मैं किसी भी हाल में उस पर्सकर को मारना चाहता हूँ जैसा उसने हाल किया मेरे टीम का। मेरा टीम तो गया तो गया, मेरा बेचारा सिमाइल भी चले गया, मेरा मेन डाइनो जो कि जिसको मैं बहुत एपिसोड से मैं बचा के रख रहा था, उस डाइनो ने मेरा बहुत सिचुएशंस में मदद किया था, ऑलमोस्ट ऐसे ऐसे केव्स में मदद किया था जब मुझे लग रहा था कि मैं ऑलमोस्ट मेस में मरने वाला हूँ, बट वो रेक्स अचानक से आया और सब कुछ मार के चले गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं। हाँ होता है ये आर के मीन्स, यहाँ पे अगर हम अपने डायनोस को नहीं खोएंगे तो और कब खो सकते हैं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं एंड चेक करते हैं कि एक्चुअली में और क्या किया जा सकता है। ओब्वियसली 200 के मीन्स 180 के आसपास हेल्थ होना मीन्स ये मजाक का बात नहीं है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक मिनट, चलो यहाँ से आई थिंक 2 स्प्रिंग लगेंगे, यहाँ से भागो 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 भागो। एंड मैं जानबूझ के अपने टीरेक्स को सॉरी ट्राइक को ऊपर ही रखूंगा ताकि इस समय चेक करूंगा कि एक्चुअली में देखा जाए तो यहाँ से मैं देख लूंगा कि उसका कितना बुलेट लग रहा है। अगर मेरा एक भी बुलेट 150 से ऊपर भी अगर डैमेज देता है, ओके सो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1300 के आसपास बुलेट्स लगेंगे उसको पूरे तरीके से मारने का। बट क्वेश्चन ये उठता है कि क्या 150 मेरा डैमेज दे भी पाएगा मेरा ये, तो वही है बस एक बार आगे पहुंच तो जाए हम लोग उसी के बाद तो। ओ ओ मेगाथीरियम सैडल, डेडम सैडल एंड रॉक गोलम। ओके रॉक गोलम का एक्चुअली में मुझे सैडल का जरूरत था, बट प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारे पास रॉक गोलम अभी तक नहीं। इस सीरीज में ऑब्वियसली हम लोग रॉक गोलम तो टेम करने वाले हैं एंड ये डेफिनेटली मैं टेम करने वाला हूँ उसको। ओके तो मेरा बैकपैक कहाँ है, ये रहा। ओके तो मेरा बैकपैक यहाँ पे, एंड सबसे पहले मुझे मेरे ट्राइक को पासिव करना पड़ेगा वरना ये उस रेक्स को मारने के लिए पूरा नीचे चले जाएगा। ओके तो हम लोग पूरा सही जगह है, इसको रखो पासिव एंड इसको पकड़ो। मुझे थोड़ा सा और आगे ले जाना पड़ेगा। ओह शिट, कहीं मैंने गलती तो नहीं किया इसको नीचे लाके, चलेगा। ओके ओहो 200 के आसपास डैमेज। ओके ओके मैंने सोचा ही था ऐसा कुछ हो प्लीज। ओके सो 200 का डैमेज हमारा मिनी मशीन गन दे रहा है एंड 4x का। ओके एंड मैं उसको ऐसे नहीं चला सकता हूँ ना। ओके कोई दिक्कत नहीं। सो 215 का मेरा डैमेज दे रहा है एक बुलेट, बट वो रेक्स का हेल्थ कितना है? एक मिनट, उसका हेल्थ तो बहुत ज्यादा कम है। मुझे लग रहा है कि मैं शायद उसको इजीली मार पाऊंगा अगर मैं नीचे नहीं गया तो। जल्दी भाग। ओके क्या हम लोग अब पूरा रेडी है? ओके सो 125 के आसपास उसका हेल्थ है एंड हमारा 215 डैमेज दे रहा है। मीन्स अगर मैं सही से भी देखूँ तो 215 एक्चुअली में बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 600 के आसपास बुलेट लगेगा एंड मेरे पास 1250 के आसपास बुलेट्स हैं। तो एक मिनट सेट, मेरा ये काम नहीं कर रहा है। अरे एक मिनट, सच में ओके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर गलती से उसके पास गया और उसने मुझे एक बार पकड़ा तो वो मुझे ऑलमोस्ट मार देगा। मुझे सोच समझ के फाइट करना है एंड अब बारी आता है यहाँ से टेस्टिंग करने का। अरे 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 एक मिनट, अरे यार
क्या किया जाए, मेरे बुलेट्स काम नहीं करना चाह रहे हैं या काम नहीं कर रहे हैं? एक मिनट, ना तो मेरा ऊपर से काम कर रहे हैं ना नीचे से, ऐसे क्यों? कितने बुलेट्स हो चुके हैं उसके ऑलरेडी? 1000? एक काम किया जा सकता है, अगर मेरे बुलेट्स का दिक्कत इनकी वजह से हो रहा है तो अभी के लिए मुझे इन सभी को पिक करना पड़ेगा, रेलिंग्स को। पता नहीं क्यों, बट मैं जब मैग्मा केव में गया था इसको लेके, तब तो मेरा इतना दिक्कत नहीं हो रहा था। ओके सो कहाँ है रेक्स? एक मिनट, ना ओके, एक्चुअली में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है यार। मैं सोचा नहीं था कि मेरे साथ ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। क्या हुआ, रख रेक्स इनविजिबल? ओके थोड़ा पास से मारते हैं एंड उसके बाद फिर भाग जाएंगे। ओके सो हम रेक्स को मार पा रहे हैं एंड ऑब्वियसली वो जब तक मुझे अटैक नहीं कर रहा है, ये कुछ ज्यादा ही स्पीड में मार रहा है। ओह वाह, अब कुछ मजा आएगा ना, हर 5 बुलेट पे वो 1000 हेल्थ उससे ऑलरेडी उड़ा दे रहा है। हम 125 से गिरा के उसको 95 पे पहुंचा चुके हैं ऑलरेडी कुछ सेकंड्स में, एंड एट द एंड मुझे लग रहा है कि शायद तो बहुत जल्दी अभी मरने वाला है। और ऑब्वियसली बहुत देर से ये अटैच नहीं हो रहा था तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत हो रहा था, बट अब ऑलरेडी कनेक्टेड हो चुका है। हम ऑलरेडी उसको 60,000 के आसपास पहुंचा चुके हैं, जो कि उसका हाफ ऑफ दी हेल्थ पहुंचा चुके हैं 125 में से, क्योंकि 30,000 हेल्थ तो मेरे बाकी टीम ने ले ही लिए थे, बट वो बेचारे लोग सभी के सभी शहीद हो चुके। मेरा बैकपैक नीचे है तो मैं वहाँ से बैकपैक नहीं ले सकता हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं ऊपर से दूसरा ट्रिक लगाना था, एंड मुझे लगा कि क्यों ना मेरा ट्राइक टैंकी ट्राइक इस टाइम पे हेल्प करेगा। ऑब्वियसली मैं इसको ऐसे ही खराब सिचुएशंस के लिए ही बिल्ड किया था, बट मुझे लगा नहीं था कि ये खराब सिचुएशन में भी बंदा मेरा मदद करेगा। तो क्यों ना, ओके सो अब ऑब्वियसली उसका हम हेल्थ इतना ज्यादा गिरा चुके हैं, तो मैं इसका किल अपने ट्राइक को क्यों ना दे दूं, एंड 516 डैमेज के साथ हम लोगों ने उस बर्सरकर रेक्स को मार दिया है। अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि एक्चुअली में उस बर्सरकर रेक्स ने हमें क्या क्या दिया है, बट उससे पहले मुझे मेरा ये चाहिए। क्या मेरे पास मिल गया? नहीं, ये मेरा बैकपैक तो नहीं है। मेरा बैकपैक है और ये रहा। तो मेरा एक मिनट, ये नहीं, मेरा बैकपैक वही था। हाँ, ओके हाँ, मुझे एक्चुअली में उसका डर्मिस चाहिए था, एंड बस उसी के लिए मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को वहाँ पे और क्या-क्या मिला है, बट पहले मैं थोड़ा सा सेट, मेरे पास अगर मेरा चिबी होता तो अभी ओके तो जल्दी से। ओ हाँ, एक मिनट, मैं ऑब्वियसली वैसे भी मैं इसको कार्य नहीं कर सकता, मुझे इसको चला के ले जाना पड़ेगा। बाय द वे, इसको रेक्स रेक्स को मारने से 14 पॉइंट इसको मिला है। ओके ये कुछ ज्यादा हो गया, 35,000 के आसपास इसका हेल्थ काफी अच्छा रहेगा। ठीक, एंड उसके बाद इसको सबको फेंक देते हैं। पहले तो मैं जाके डर्मिस ले लेता हूँ, वरना पता चला कि ये डाइनो अगर मर गया तो बहुत ज्यादा खराब लगने वाला है मुझे। एंड मैंने एक चीज देखा है कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस हो के बड़े डाइनो के पास नहीं जाना जिससे लड़ने का औकात ना। एंड वही हुआ मेरे साथ। ओके तो हमारे पास डर्मिस आ चुका है, एंड अब उसके बाद बारी आता है इसका रॉ प्राइमेट कलेक्ट करने का। जल्दी से, एक मिनट, कुछ ज्यादा नहीं ले रहा है ये टाइम, थोड़ा और। मे बी अगर हम लोगों को बर्सरकर रेक्स सैडल मिल जाएगा तो वो भी ज्यादा है, मैं उसके लिए भी होप कर रहा हूँ कहीं ना कहीं। ठीक,
तो अब हम लोग ऑलमोस्ट सही टाइम जगह पे आ चुके हैं। अब चेक करते हैं कि क्या क्या मिला है। तो ये सब चीज़ मेरा पहले से थे एंड ये भी मेरा पहले से था मेटल लर्निंग। ये जो ट्राइक बोन हेलमेट स्किन है यहाँ से शुरुआत हुआ। वैसे तो मैं इसको चेंज नहीं करना चाहता, तो मेरे पास ये स्किन ज़्यादा बेटर हुआ है हैट वाला। ठीक है, तो यहाँ से मिलने के बाद हमें मिला है 9 ऑब्सीडियन फ्लक्स एंड फिर एनर्जी क्रिस्टल्स। एंड एक्चुअली में 4 पहले से डायमंड थे तो अभी 7 मिले हैं, एंड एक पहले से था तो 2 एनर्जी क्रिस्टल्स, एंड ये मेरे पास एक था तो अभी 8 ऑब्सीडियन फ्लक्स मिले हैं। उसके अलावा हमें मिथ्राइल ऑयल्स भी मिले हैं अगर देखा जाए तो। एंड उसके बाद मास्टर क्राफ्ट प्लेसियोसॉरस का सैडल, ओह बासिलोसॉरस का एसेंडेंट, ये बहुत अच्छा सैडल हुआ है। चलिए शॉटगन 309, ओके आई थिंक इसको चेंज करने का बारी आ गया। ऑब्वियसली इसका डैमेज आउटपुट बहुत ज़्यादा कम है उसके, बट चलेगा। असॉल्ट राइफल गन एंड फिर कंपाउंड बो, आई थिंक इसको मुझे ज़रूरत पड़ेगा। 508 का एक्सटेंडेड फ्लैग चेस्ट, बट मेरे पास ये ऑलरेडी बेटर यहाँ पे है, चलेगा। एंड उसके बाद फिर ये सब मेरा बाकी डायनोस की कलेक्शन है जिन लोगों ने अपना सही डी दे दिया यहीं पे आके मरने के बाद। तो ये मेरे लिए एक्सपेक्टेड नहीं था जो कि एक्चुअली में इसमें हुआ, एंड इन सभी को मुझे वैसे भी ये करना पड़ेगा, ग्राइंडर में ग्राइंड करना पड़ेगा ताकि ये सबसे कुछ रिसोर्स मिल जाए। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे एक गलती की वजह से मेरे जितने भी यहाँ पे डाइनोस होंगे सभी के सभी को मुझे खोना पड़ेगा। एंड ये रहे बेचारे, ये रहा मेरा स्माइल जो कि मेरा मेन डाइनो था अगर सही से मैं बोलूँ तो, बट अब बेचारा वो नहीं रहा। ओके तो देखा जाए तो ये सबको फेंकना है मुझे, ऑब्वियसली ये चीज़ इस पर काम नहीं करेगा। सो इन सभी को फेंक देते हैं। ऐसा कोई रिसोर्स है जिन लोगों को मुझे ट्रांसफ़र करना है वैसे भी मेरे बैकपैक में, ड्रॉप 1 मिनट, कितना वेट है मेरा? मेरा 520 वेट ऑलरेडी है, बट यहाँ पर इन लोगों को मुझे इक्विप करना है, इसको लेके जाते हैं यहाँ पे। एंड यस, क्या यह काफ़ी है? एंड मेरा बेचारा ही है, अच्छा है कि मेरा डिनो नीचे से यहाँ पे मिल गया मुझे बेटर डी। ओके तो वो बच गया, बट उसके अलावा मैंने ऑलमोस्ट सभी को खो दिया। 218 आई थिंक वेट मेरा अभी सही है कि अभी भी मेरा कुछ गड़बड़ हो रहा है। एंड इसको मैं यहीं पर रख दूँ, इन लोगों का हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगा। 1 2 3, हाँ 3 सही है, 3 से मैं किसी भी डायनो को रोक सकता हूँ। तो ये था हमारा थोड़ा सा वियर्ड बट अनएक्सपेक्टेड एपिसोड, जिसमें मैंने ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं जिन डिनो नीचे सार में इसके साथ जा रहा हूँ फाइट करने के लिए, वो भी एक बार्सकर रेक्स के सामने 290 लेवल का, उनके सामने मेरे ए मुश्किल से 2 डिनो नीचे तो बचेंगे, वो भी किस्मत से, वरना वो भी नहीं बचते। बट इतना बुरा हुआ कि मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने अपने ऑलमोस्ट अभी सब डिनो नीचर्स आर्मी को खो दिया, बट मेरे पास अब 2 ही बच रहे हैं। एक्चुअली में कहीं ना कहीं वही डिनो नीचर्स मेरा हेल्प कर रहे थे इस चीज़ में, क्या मैं बोलूँ तो मेरे एक्स कलेक्ट करने में, बट अब तो मेरे पास एक्स भी नहीं रहे एंड सब खत्म। तो मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में बेटर डाइनो, जैसे कि आई थिंक मैं अभी सोच रहा हूँ मेरे माइंड में चल रहा है आलोसोरस को टेम करने का, एंड आलोसोरस इन द सेंस पालियो के आलोसोरस जो कि ड्वार्फ आलोसोरस है। तो कहीं ना कहीं मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरे पास वो मिल जाता तो ज़्यादा सही रहता एंड, बट देखते हैं। रेक्स का मैं अभी नहीं सोच रहा हूँ, हम लोग अगर सिचुएशंस के हिसाब से थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएंगे तो सही रहेगा। मैं डायरेक्ट अगर रेक्स से टेम कर लूँगा तो फिर मेरा और मन नहीं करेगा कोई और डाइनो टेम करने का। एंड ऑब्वियसली इस मैप में वैसे भी गीगा नहीं है, तो एक बार जैसे स्पाइनो या रेक्स में टेम कर लेता हूँ तो मेरा अल्टीमेट वेपन्स हो जाएंगे। तो मैं इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहता हूँ। हम लोग पहले आलोसोरस पे जाएंगे एंड फिर जिस टाइम पे हम लोग आलोसोरस अपना खो देंगे, जैसे कि हम लोगों ने आज अपने स्माइलोडोन को खोया, एंड तो उस हिसाब से फिर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि डिनो नीचस हो गया, बट अभी भी मेरे पास 360 लेवल का डिनो नीचस है जो कि मेरा मेन डिनो नीचस है। बट मिलते हैं तो देखते हैं अगले एपिसोड में। आई होप कि आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, एंड अगर आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, एंड अगर आप इस एपिसोड में नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।